पहला है हुमायूं का मकबरा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल ये मकबरा अकबर के समय में सन 1569 से 70 के बीच में बनवाया गया था। मुगल साम्राज्य का पहला एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि रेड सैंडस्टोन से बनवाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा है हौज खास विलेज। दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिलेगा इस्लामिक आर्किटेक्चर का कलर्ड अर्बन कल्चर। दिल्ली का तीसरा विजिटिंग प्लेस है वह है कुतुब मीनार। दिल्ली के मेहरौली में 234 फीट का ये अकेला टावर मुगल साम्राज्य का एक यूनिक नमूना है और यहाँ भी हर साल लाखों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। ये भी अच्छा एक विजिटिंग प्लेस है दिल्ली का। और अगला है दिल्ली का जू। दिल्ली के पुराने किले के पास ये जू स्थित है। दोस्तों यहाँ आपको खास देखने को मिल जाएगा बिल्ली से लेकर के एक छोटी चिड़िया तक, यहाँ सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगली जगह है वो है रेड फोर्ट यानी लाल किला। लाल किला शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था और यहाँ हमारे देश का प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। दिल्ली का अगला विजिटिंग प्लेस है वो है अक्षरधाम टेम्पल। ये मंदिर 2005 में बना था। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। और दिल्ली का अगला विजिटिंग प्लेस है वो है लोटस टेम्पल। इसे बाहा आई हाउस ऑफ वर्शिप भी कहा जाता है। और ये टेम्पल की एक खासियत ये भी है कि ये सभी रिलीजन्स के लिए समान है। ये कालकाजी मंदिर के मार्ग में स्थित है। दिल्ली का अगला विजिटिंग प्लेस है वो है इंडिया गेट। नई दिल्ली में स्थित है और ये डेडिकेटेड है 82,000 सोल्जर्स के लिए जो कि इंडिया और ब्रिटिश के जवान थे जो कि शहीद हुए थे ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के समय में। दिल्ली का अगला विजिटिंग प्लेस है वो है वेस्ट टू वंडर पार्क। इस पार्क में आपको सेवन वंडर ऑफ वर्ल्ड इस पार्क में आपको विश्व के सातों अजूबे एक साथ देखने के लिए मिल जाएंगे। ये स्थित है निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के पास। ये एक तरीके का थीम पार्क है। दिल्ली का अगला विजिटिंग प्लेस है वो है जंतर मंतर। जंतर मंतर महाराजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली का अगला विजिटिंग प्लेस है वो राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश एम्पायर का एक फेमस मॉन्यूमेंट में से एक है जो कि अब भारत के राष्ट्रपति का घर है। दिल्ली का अगला विजिटिंग प्लेस है वो है अग्रसेन की बावली। अग्रसेन की बावली न्यू दिल्ली में स्थित है जो कि एक 60 मीटर गहरी तथा 15 मीटर चौड़ी एक स्टेप बोल है। बावली को ही स्टेप बोल कहा जाता है इंग्लिश में। दिल्ली का अगला विजिटिंग प्लेस है वो है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी जो कि 1644 और 1656 के बीच में बनकर तैयार हुई थी। दिल्ली का अगला विजिटिंग प्लेस है वो है कनॉट प्लेस जिसका ऑफिशियल नाम राजीव चौक है और इसे सीपी भी कहा जाता है। यहाँ आपको टिकटॉकर्स देखने के लिए मिल जाएंगे और ये काफ़ी अट्रैक्टिव एक पार्क है जो कि राजीव चौक में, इसका ऑफिशियल नाम राजीव चौक है जो कि राजीव चौक में स्थित है। विजिटिंग प्लेस है वो है इस्कॉन हरे कृष्ण टेम्पल। ये मंदिर सन 1998 में खुला था और ये स्थित है नई दिल्ली के ईस्ट कैलाश एरिया में। और दिल्ली का अगला विजिटिंग प्लेस है वो है चांदनी चौक। पुरानी दिल्ली की एक सबसे पुरानी मार्केट है जो कि मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी 17वीं शताब्दी में। दिल्ली का अगला विजिटिंग प्लेस है वो है तीन मूर्ति भवन कहीं नेहरू हाउस। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का म्यूजियम, लाइब्रेरी और साथ ही उनका ऑफिस। सो आगे बढ़ते हैं और दिल्ली का अगला विजिटिंग प्लेस है वो है लोधी गार्डन। लोधी गार्डन एक सिटी पार्क है जो कि नई दिल्ली में स्थित है और यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा शाहजहाँ का मकबरा, सिकंदर लोधी का मकबरा, शीश गुंबद और 12 गुंबद। तो दिल्ली का अगला विजिटिंग प्लेस है वो है हमारी खान मार्केट। ये मार्केट आपको काफ़ी आकर्षित जगहों में से एक है। यहाँ आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। ये भी काफ़ी आकर्षित जगह में से एक है दिल्ली की। आगे बढ़ते हैं, वो है मेहरौली का आर्कियोलॉजी पार्क। यहाँ आपको देखने को मिलेगा लाल कोट। यहाँ पर है लाल कोट जो कि बनवाया था तोमर राजपूत ने। ये भी एक काफ़ी अच्छा विजिटिंग प्लेस में से एक है दिल्ली का। सो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लेना वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को उनके साथ में जो दिल्ली घूमना चाह रहे हैं या प्लान बना रहे हैं दिल्ली घूमने का, ताकि उनकी इस वीडियो से ये हेल्प हो सके कि कौन सी दिल्ली की जगह है जहाँ हम घूमने जा सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।